नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और पर्यायवाची के इस अगले अध्याय में हम लोग पुनः जो है कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्दों का जो विश्लेषण करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इस टॉपिक को जो है पूर्ण रूप दे सकें। तो इसी कड़ी में जो है हम लोग जो देखते हैं जो है कन्या शब्द है, जो कि कन्या भी जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। अक्सर यहाँ से सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम इसको जो है कवर करने का यहाँ से जो प्रयास करेंगे। कन्या के लिए जो है अगर हम एक तरफ से कुछ समुचित शब्दों को देखें तो कुमारी है, किशोरी है, कुमारी, कुमारी, कुमारी और किशोरी, ये तीन शब्द हैं जिन्हें हम एक समुच्चय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी शेष बचे हुए शब्दों पर हम अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसमें अनूढ़ा है, जिसकी जो है शादी न हुई हो उन्हीं को ही लड़कियों को कन्या कहा जाता है, और उसके लिए एक शब्द होता है अनूढ़ा, और बालिका तो होता ही है, और अविवाहिता भी होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 महत्वपूर्ण शब्द हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कवर किया कि जो है कुंवारी है, किशोरी है, कुमारी, तो कन्या से संबंधित 2 शब्द हैं जो एक मिलते जुलते हैं, कुमारी और कुंवारी, और तीसरा शब्द है किशोरी, जो का से उच्चारित होते हैं और इन्हें एक में जो है समुच्चित करते हैं, और दूसरा भाग है अनूढ़ा, बालिका और अविवाहिता। तो इस तरीके से ये शब्द जो है इसमें आ जाते हैं। जो है अगला जो है कबूतर है, कबूतर भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे ये रक्त लोचन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया है, और इसी तरीके से UP SSSC की परीक्षा में इस सवाल को पूछा जा चुका है। तो कपोत है, परेवा है, पारावत, ये 3 शब्दों को अगर हम समुचित करने का प्रयास करें, और हमारा ये प्रयास लगभग लगभग जो है प्रश्नों को लेकर के ये जरूर होगा कि हम उसमें एक समुच्चय बनाने का प्रयास करें, और समुच्चय के लिए जो है किसी शब्द के एक वर्ण को, चाहे वो पीछे का वर्ण हो या आगे का वर्ण हो या कोई जो है तुकांत हो, इन सभी आधारों पर जो है हम लोग एक समुच्चय बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उससे संबंधित यदि सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर हमारे सवाल जो है सीधे सही हो जाएं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। अगला इसमें रक्त लोचन है और हरित, इसके आधार पर हम लोग जो है कबूतर को जो बना लेते हैं, क्योंकि इसकी लोचन मतलब अभी इसके पीछे हम लोगों ने लोचन, चक्षु, नेत्र, दृग और कई ऐसे शब्दों को जो देखा था जो आँख की परिभाषा थी, तो उसमें रक्त लोचन यानी कि इसकी आँखें जो है लाल होती हैं, इसलिए ये कबूतर होता है। तो हम लोग इस तरीके से जो एक अपनी समझ भी GS के भी संदर्भ में बढ़ाते रहेंगे। तो अगला है कौआ, कौआ मतलब काग, काग, काड़, तो यहाँ पर भी एक समुच्चय पहले ही जो है शब्दों में दिखाई पड़ता है कि काग है, काक है, एक में ग है, एक में क है, एक में अड़ा है, बाकी पहले में सभी में जो है दीर्घ रूप से जो है का का प्रयोग किया गया है। तो काग, काक, काड़, ये हो गया कौआ के एक समुचित 3 शब्दों। अगला हो गया वायस, पिसुन और करट, इन 3 शब्दों को जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है पिसुन शब्द जो है परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक महत्वपूर्ण है कौआ के लिए, जो कौआ जो है पर्यायवाची के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। अगला जो है किरण, ये भी जो है महत्वपूर्ण शब्दों की कड़ी में जो है अगला शब्द है। किरण के लिए जो है अंशु है और रश्मि है, अगला है कर है, कला केतु है, अगला है मरीच और मयूख है। ये मरीच शब्द भी और मयूख शब्द, ये दोनों ही परीक्षा में अब तक जो पूछे जा चुके हैं, कला केतु, कर, किरण, किरण की जो पर्यायवाची शब्द है उसके रूप में जो है हम अंशु, रश्मि, कर, कला केतु, मरीच और मयूख। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 प्रकार के समुच्चय इस शब्द के जो है व्याख्या, विश्लेषण और पर्यायवाची के संदर्भ में दिखाई पड़ रहा है, जो कि अंशु और रश्मि के रूप में जो है पहला है, क्योंकि दोनों में जो है शब्दों के जो है देखा जाए तो अर्धवर्ण का जो है प्रयोग किया गया है।
दूसरे में कर से करा केतु है, अगले में मरीच और मयूख है। तो याद करने के लिहाज से ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगला जो है आता है कोयल, कोकिल, बसंत दूत। बसंत दूत यानी दूत का मतलब हो गया कि वो बसंत में जो है ये कोयल जो है ज़्यादा प्रभावी होती है, तो इसलिए बसंत दूत के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है, और कोयल तो कोकिल है ही। अगला है कलघोष, यहाँ पे मदन सला का पिक है, श्यामा है, कलघोष है। श्यामा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोयल जो है काली होती है, उस श्यामा जो है काली से संबंधित है, तो इसके लिए यह शब्द भी प्रयोग में लाया गया है। अब पिक जो है बोलने के संदर्भ में होता है, कोयल बोलने के लिए जानी जाती है। कलघोष, कल माने आवाज़, और घोष माने जो है उसको तेजी से जो है आगे बढ़ाना। तो इस तरीके से जो है हर शब्द के अर्थ को हम उससे जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो है स्थिति हो सकती, वस्तु हो सकता, व्यक्ति हो सकता है, उससे भी उसको जो है देखने का जो है प्रयास करेंगे। अभी हमने पिछले क्लास में एक शब्द बोला था दुकूल, वो था जो है कपड़ा के लिए जो प्रयोग होने वाला समानार्थी शब्द। तो आपको ऐसे शब्दों को बीच बीच में रिपीट भी करते रहना होगा। अगला है यहाँ पे शब्द जो है बाल, बाल के लिए कच भी आता है, कच है, केस है, काकुल है, कुंतल है। अब यहाँ पे ये चारों शब्द एक जो है समुच्चय के रूप में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, कच है, केस है, काकुल है और कुंतल। कच, केस, काकुल, कुंतल, यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं ये। अगला है अलक, चिकुर, सिरोरूह, सिरोरूह। देखो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है, सिर पे रूह, और किसी व्यक्ति के रूह मतलब वृक्ष, जब हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे पिछले ही अभी लेक्चर में, तो रूह को जो है वृक्ष के रूप में जो है बताया गया है। अब यहाँ रूह का मतलब जो है किसी व्यक्ति के सर पे तो कोई जो आम का वृक्ष तो उग नहीं सकता, वहाँ बाल को ही रूह कह दिया गया है। जैसे पृथ्वी का जो रूह क्या है, वो वृक्ष है, क्योंकि पृथ्वी आकार में बहुत बड़ा है, अगर पृथ्वी के साथ जो है रूह शब्द जुड़ा है तो वो वृक्ष हो जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सिर पे रूह शब्द जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, बाल हो जाएगा। अगला है जो है गीशु और मेचक। तो यहाँ पे इतने शब्दों का प्रयोग है, कस है जो है, कच है, केस है, काकुल है, कुंतल, कच, केस, काकुल, कुंतल, अलक, चिकुर और शिरो रूह, इन सभी शब्दों से मिल करके जो है बाल शब्द जो है बन रहा है। आगे के जो है हम स्लाइड पर चलेंगे। खंड शब्द है, खंड शब्द को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। खंड का मतलब क्या होता है, कोई भी टूट जाए उसको क्या कहते हैं, खंड। अब उसी को जो है टूटे हुए जो है खंड को भाग भी कह सकते हैं, टुकड़ा भी कह सकते हैं, हिस्सा भी कह सकते हैं और अंश भी कह सकते हैं। हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, गणित में भी अंश का प्रयोग जो है पहले की ही कक्षाओं से हो रहा है। तो ये जो है खंड जो है सरल शब्द है, लेकिन व्यवहार में कई बार शब्द छूट जाता है। तो खंड का जो है हो गया भाग, टुकड़ा, हिस्सा, अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा और अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा और अंश हो गया। अगला शब्द जो है देखने का प्रयास करते हैं खल। खल एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग मिलाया जाता है जो दुष्ट किस्म का होता है, तो जाहिर सी बात है इसका एक जो पर्यायवाची वो दुष्ट ही हो गया। अगला जो है शब्द जो है आपका दुर्जन, यानी कि दुष्ट हो गया, दुर्जन हो गया, धूर्त हो गया, ये तीनों शब्द जो है जिसमें मात्रा लगे हुए हैं नीचे, किसी में छोटा है किसी में बड़ा का मात्रा लगा हुआ है। और अगला है सठ, नीच, निरसंस, अधम और पामर। पामर शब्द यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रकार का शब्द प्रयोग में लाया, बाकी सभी शब्दों को हम अगर पर्यायवाची के वैकल्पिक प्रश्न में पत्र में पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कई बार हम लोग जो है
कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं, लेकिन कई बार उसी शब्द के अलग भी अर्थ होते हैं। इसलिए किसी पर्यायवाची शब्द के रूप में जो भी व्याख्याएं आती हैं उसको देख लेना और समझ लेना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे दुष्ट, दुर्जन, धूर्त, सठ, नीच, नृशंस, अधम और पामर, इन शब्दों को जो है समझ लेना और मन मस्तिष्क में बिठा लेना आवश्यक है। अगला है पक्षी। पंछी का बहुत ही बार परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा, पंछी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर पंछी भी आया हुआ है पहले में और बाद में पक्षी, तो दोनों ही शब्द आते हैं। खग, बिहग, बिहंग, और एक शब्द जो है और आया है कि जब हम आकाश में कोई भी जो है चर शब्द जोड़ देते हैं तो वो पक्षी के लिए आ जाता है। तो खग, बिहग, बिहंग, नभचर भी आ जा सकता है, द्विज भी आ सकता है, पंछी भी आ सकता है, चिड़िया भी, और शकुनी शब्द का भी प्रयोग। तो यहाँ पे शकुनी शब्द जो है बहुत ही विशिष्ट शब्द है, शकुनी माने जो है पक्षी भी होता है। तो चिड़िया तो हम जानते ही हैं, पंछी भी जानते हैं। खग, बिहग, बिहंग, नभचर, खग, बिहग, बिहंग, नभचर को हम एक जो है समुचित शब्द के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं और इस आधार पर यह जो है पक्षी की पर्यायवाची आ सकती है। याद करने में आसानी होगी, परीक्षा में आने वाले सवालों को याद करने में आवश्यक होगा। खल शब्द में हमने क्या देखा था पिछली बार, पामर, ये पामर मतलब क्या होता है, दुष्ट। और पक्षी के लिए शकुनी शब्द जो है यहाँ पर विशिष्ट शब्द आया और ऐसे विशिष्ट शब्दों को आपको जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अगला सवाल घर है। घर मतलब आलय भी होता है, निलय भी होता है। जब हम लोग एक सवाल महत्वपूर्ण पड़ता है घड़ियालों के संदर्भ में, जब निलय की बात करते, जीएस के सवाल में भी जो है ये सवाल पूछा गया है, जीएस के प्रश्न पत्र में भी जो है, तो वहाँ निलय के लिए जो है घर शब्द के लिए निलय शब्द प्रयोग आया है, जो कि उड़ीसा के तटों पर जो है ये घड़ियाल क्षेत्र में घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका निलय भी हो गया। आलय तो हम जानते ही हैं, विद्यालय, विद्या का घर, आगार भी होता है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ डिपो शब्द के लिए, यानी कि जैसे यहाँ पे डिपो शब्द लिखा जाता है, वहाँ पे आगार शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे मथुरा, आगरा और इसी तरीके से जो है अलीगढ़ इत्यादि जो क्षेत्रों में। धाम तो हम जानते ही हैं, और निकेतन भी व्यावहारिक शब्द है, भवन भी है और सदन भी है। सदन तो हम लोग जो है संसदीय शासन प्रणाली में जो है सदन पढ़ते ही हैं कि लो उच्च सदन, निम्न सदन। तो घर के लिए जो है सदन, गृह, निकेत, आलय, आगार, धाम आ जाता है। तो इसमें जो है कोई भी शब्द बहुत विशिष्ट नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत है, लेकिन इसको ध्यान में रखने के लिए हमें ध्यान केंद्रित होने की केवल आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आप चाहें, जैसे पिछले जो है शब्द के लिए हमने शकुनी शब्द का जो है देखा था, और यहाँ के लिए हम आगार शब्द जो है देख सकते हैं, आगार। अगला है हाथी शब्द। गज, मयंद, मतंग, बितुंड, करी, कुंजर, कुंभी, करी, कुंजर, कुंभी, ये शब्द जो है करी, कुंजर, कुंभी जो है, करी, कुंजर, कुंभी, ये तीनों जो है शब्द को अगर एक में समुचित करने का प्रयास किया जाए तो ये हो जाएगा हाथी, करी, कुंजर, कुंभी। हाथी के लिए जो है शब्द प्रयोग में लाया गया है करी, कुंजर और कुंभी, तो ये समुचित शब्द हो गया। और गज तो हम लोग जानते ही हैं, गज, गयंत, उसी से जुड़ा हुआ है, और मतंग, तो दूसरे में जो है देखा जाए गज से गा से गज और गा से गयंत हो गया। अब मतंग उसी से जुड़ा हुआ शब्द, बितुंड यहाँ पे एक शब्द आप याद कर सकते हैं। बाकी हस्ति शब्द को भी हम पहले से परिचित हैं, हस्ति और हस्त में अंतर है। हस्ति हाथी हो गया, हस्त माने हाथ हो गया, तो करी, कुंजर, कुंभी हो गया, और यहाँ पे हम बितुंड एक शब्द है जिसको याद कर सकते हैं। जिस तरीके से पिछले शब्द में घर के लिए हमने आगार शब्द को जो है याद किया हुआ था। अब हम लोग जो है यहाँ पे अगले शब्द गरुण। गरुण को माना जाता है एक पक्षी विशेष जो कि पक्षियों का राजा होता है, और पक्षी के लिए शब्द आता है खग, तो खग क्या ईस जो होगा यानी कि मालिक वही गरुण हो जाएगा, इसीलिए जो है खगेश शब्द का प्रयोग किया गया है। गरुण के लिए जो है यहाँ पे खगेश शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगला शब्द है नागांतक। अब यहाँ पे ये आप समझिए कि नागांतक क्यों प्रयोग किया गया है। जब रामायण की लड़ाई हो रही थी और उस वक्त जो है राम और लक्ष्मण को जो है
राम और लक्ष्मण को नागपाश से जो है परास्त कर दिया जा रहा था, तो उस वक्त जो है गरुण को बुलाया गया था और गरुण ने जो है उन सांपों का संहार किया था, इसीलिए गरुण को नागांतक भी कहा जाता है। तो इसलिए जितने भी सांप के जो है रूप में जो आएंगे जो है अंतक हो गए, और उर्गारी भी हो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये सारे शब्द जो है वो गरुण की जो परिभाषा हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है खगेश है, नागांतक है, सुपर्ण है, सुपर्ण है, उर्गिरी है, और बगेश्वर, बगेश्वर एक जो है विशेष प्रकार का शब्द है। हाथी जैसे के लिए बितुंड शब्द पिछली बार हमने प्रयोग किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गरुण के लिए बगेश्वर शब्द का जो है, गरुण के लिए बगेश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। खल के लिए हम लोग पामर शब्द का प्रयोग किए थे। पंछी शब्द एक आया था, शकुनी था। घर के लिए आगार था। हाथी शब्द को अगर देखें तो बितुंड था, और कुंभी भी एक विशेष प्रकार का शब्द, तो गरुण के लिए वगेश्वर शब्द का प्रयोग हम लोगों ने किया था। आगे हम लोग जो बढ़ने का प्रयास इसी क्रम में जो है करते हैं। यहाँ पर जो है गाय शब्द प्रयोग किया गया है। गाय शब्द को हम लोग जो थोड़ा सा देखने के यहाँ प्रयास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गाय से अक्सर जो है क्वेश्चन जो है परीक्षा में जो है पूछे जाते रहते हैं, तो हम लोग गाय को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो गाय शब्द के लिए जो है गो गौरी गैया, ये जो है समुचित शब्द हो गया। गो गौरी गैया धेनु भद्रा दोगधी और सुरभि, ये शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग में जो लाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। गो गौरी गैया हम तीन ऐसे याद कर लेते हैं, अगले में जो धेनु है, भद्रा है, दोगधी है और सुरभि। दोगधी भी मिलता जुलता नाम है, सुरभि भी मिलता है, यहाँ भद्रा को हम लोग जो विशिष्ट शब्द मान करके चलते हैं। और हर पर्यायवाची के जो है समुच्चय से एक विशिष्ट शब्द को अगर आप इस तरीके से ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं, तो एक बेहतर अप्रोच का जो विकास आपके अंदर होगा, और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हल करना आपके दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने पिछली बार देखा था गरुण शब्द के लिए बगेश्वर, गरुण शब्द के पर्यायवाची के रूप में बगेश्वर को देखा था, और इस शब्द के रूप में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, गाय के लिए भद्रा। भद्रा कहने का मतलब यह है कि गाय से जुड़ा हुआ है, जैसे जल में बारिश में जो है जल गिरते हैं, उसी तरीके से गाय के लिए माना जाता है कि वो दूध का एक स्रोत होती है। अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द है खर। गधा शब्द भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन खर शब्द प्रयोग करके हम पहले ही एक शब्द याद कर लेंगे, खर माने गधा। तो यहाँ पे गधा है, गर्दभ है, राक्षस, रासभ है, राक्षस नहीं, गधा, गर्दभ और रासभ। अगला वैशाख नंदन हो गया, ये एक शब्द यहाँ पर विशिष्ट शब्द का प्रयोग में लाया गया है, वैशाख नंदन। तो इस तरीके से हमने खर को देख लिया, खर माने जो गधा है, गर्दभ है, गधा है, गर्दभ है और रासभ और वैशाख नंदन। गाय के लिए जैसे हम लोगों ने भद्रा शब्द देखा था, वैसे जो है यहाँ पे गधा शब्द के लिए वैशाख नंदन को हम लोग ला सकते हैं। अगला शब्द है जो है गंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर सब परीक्षा में यहाँ से एक सवाल आना ही आना है। देव नदी, जैसा कि बताया गया था कि जो अगर ईश के साथ में, देवताओं के साथ में घर लगा हुआ है तो वो स्वर्ग हो जाएगा, और अगर नदी लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता, गंगा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है गंगा शब्द के साथ जो है, गंगा शब्द के साथ में जो है इसकी पर्यायवाची जो है देव नदी आई हुई है, भागीरथी भी आई हुई है, जाहन भी आई हुई है, अलकनंदा एक जो है नदी है, शाखा है, जो आकर के जो है गंगा के रूप में जो है आप बढ़ती है मिलकर, मंदाकिनी है, ये भी वहीं की एक शाखा है, विष्णु नदी है, विष्णुपदी भी यहाँ लिखा हुआ है। दोनों ही शब्दों का प्रयोग परीक्षा और किताबों में है, और नदी स्वरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस भारत में अगर देखा जाए तो नदियों के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के लिए अगर कहा जाए तो गंगा को भारत का मेरुदंड कहा जाता है। विज्ञान के विद्यार्थी तो इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि शरीर में मेरुदंड का क्या रोल है, कि शरीर को जो है वो आलंब प्रदान करता है, शरीर में सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, और शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो उसी तरीके से जो है गंगा को जो है उत्तर भारत का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि कृषि की जो व्यवस्था, भूमि का उपजाऊपन
इसी नदी के दोआब क्षेत्रों में गंगा यमुना और कृषि के जो विकास निर्भर करते हैं, इसलिए इसे उत्तर भारत का मेरुदंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, देव नदी, भागीरथी, जाह्नवी, अलकनंदा, मंदाकिनी, विष्णुपदी और नदीश्वरी के रूप में इसका प्रयोग लाया जाता है। अगला है गगरी। गगरी मिट्टी का जो एक बर्तन है जिसे गर्मी में अगर पानी रखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण से इसका तापमान बहुत कम होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं। ये भी सवाल परीक्षा में सीधा पूछा गया है, तो इसलिए इसका उल्लेख कर देने पर आपको एक समझ विकसित करने में जो आसानी होती है। तो घट घड़ा, घट है, घड़ा है, कुंभ है और कलश है, तो दो समुच्चय सीधे बन जाते हैं, घट घड़ा, कुंभ, कलश, तो ये जो है क्वेश्चन आपका बन जाता है जो है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाह्नवी शब्द को जो है चयनित किया हुआ था गंगा के जो है विशिष्ट पर्यायवाची के लिए, जाह्नवी और उसके पूर्व वाले शब्द में खर यानी कि गधा शब्द के लिए जो हम लोग बैसाख नंदन, गाय के लिए भद्रा, गरुण के लिए जो हम लोगों ने वगेश्वर शब्द का जो है चयन किया हुआ था। तो अगला हम जो है क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल यहाँ पर जो है आता है चांदनी। चांदनी, अब चांदनी की जो है चंद्रिका है, चंद्रकला है। चंद्रकला शब्द से आप लोग परिचित हैं, एक आईएएस अधिकारी थी जो है जो कि बहुत ही तेज तर्रार अधिकारियों की श्रेणी में आती थी, जिनका पूरा नाम था बी चंद्रकला। कई बार वो और अन्य प्रकरणों में जो चर्चा में आई हुई थी, तो यहाँ से आप उनके नाम को ध्यान में रखते हुए जो है चांदनी की जो है पर्यायवाची यानी कि चंद्रकला को जोड़ सकते हैं। तेज तर्रार थी, चांदनी के रूप में भी इसे देखा जा सकता, कला निधि है, कौमुदी है और ज्योत्सना है। कौशिक वहाँ पर हम लोगों ने जो है देखा था पूर्व में शब्द आया था, तो ये इससे जो है अंतर है, जो है मूर्ख शब्द के रूप में वहाँ पे प्रयोग में लाया गया था जो है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चांदनी शब्द के लिए जो चंद्रिका है, चंद्रकला है, कलानिधि और कौमुदी है, ज्योत्सना है, हिमकर है, अमृत तरिंगड़ी है और चंद्रमरीचि है। मरीच मतलब किरण हमने जो है देखा था, और चंद्रमरीचि अगर प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है चंद्रिका, चांदनी के जो पर्यायवाची है वो चंद्रिका है, चंद्रकला है, कलानिधि है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, हिमकर है, अमृत तरिंगड़ी है और चंद्रमरीचि है। अगला शब्द है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल का आना लगभग लगभग तय माना जाता है। अभी आपको ही बताया गया था कि रात में अगर कर शब्द को जोड़ दिया जाए तो वो शब्द जो है चंद्रमा हो जाता है, और रात्रि में अगर चर शब्द को जोड़ दिया जाए तो वह राक्षस हो जाता है। तो यहाँ पर सुधाकर, विभाकर, निशाकर, सब में निशा माने रात, विभा माने रात और सुधा माने रात। अब इसमें कर शब्द जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, ये चंद्रमा हो जाता है। इसी तरीके से इंदु है, राकेश है, शशांक है, सुधांशु है, विधु है, सोम है, मयंक है, कलानाथ है और मृगलांछन है। मृगालांछन मतलब चंद्रमा में भी जो एक दाग है, तो इस आधार पर मृगालांछन शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे इसे हम जोड़ सकते हैं चंद्रमा से। तो ये शब्द क्या हो जा रहा है, चंद्रमा की परिभाषा के रूप में सुधाकर, विभाकर, निशाकर और इंदु, राका, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, सोम, मयंक, कलानाथ और मृगलांछन शब्द जो प्रयोग में लाया जा सकता है। और जो है यहाँ पे एक शब्द जो आ रहा है कलानाथ, इसके लिए हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं कलानाथ। पिछले शब्द के लिए चांदनी के लिए जो है हम इसे देख सकते हैं कौमुदी, चांदनी के लिए जो है कौमुदी शब्द का जो प्रयोग किया जा सकता है, जो कि उसकी एक विशिष्ट पर्यायवाची है चांदनी की जो है कौमुदी, चांदनी के लिए जो है कौमुदी को लाया जा सकता है, और चंद्रमा के लिए जो है कलानाथ का प्रयोग जो है किया जा सकता है। बिजली शब्द है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और विद्युत। चपला और चंचला एक तरीके का शब्द है, चपला और चंचला जो है एक तरीके का शब्द है,
दामिनी और सौदामिनी जो है एक तरीके का शब्द है, तड़ित और विद्युत जो है एक तरीके का शब्द है जो कि बिजली की परिभाषाएं के रूप में आती हैं। तो यहाँ पर जो है सौदामिनी बहुत अच्छा शब्द है और इसे हम विशिष्ट शब्द के रूप में चयन कर सकते हैं। चांदनी के लिए हम लोगों ने कौमुदी और चंद्रमा के लिए हम लोगों ने क्या कलानाथ का जो है प्रयोग किया हुआ था। तो बिजली के लिए क्या शब्द आ गया, चंचला है, चपला है, चपला है, चंचला है, दामिनी है, सौदामिनी है, और तड़ित है तथा विद्युत है। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और विद्युत शब्द है। अगला शब्द आया हुआ है यहाँ पे चोटी। चोटी का मतलब क्या होता है, चोटी किसी व्यक्ति के सिर पर होता है जो बालों का जो है विशेष प्रकार से कला दिखाते हुए बनाया जाता है। प्रारंभ में माताएं अपने बच्चों की चोटियां बनाती हैं जो है, इसलिए जो है ये सर पे बनाया जाता है और सर पे बालों का बनाया जाता है, इसीलिए इसको शीश भी कहा जाता है, शिखर भी कहा जाता है, शिरोबिंदु, जाहिर सी बात सिर के ऊपर बिंदु होता है। अभी हम लोगों ने क्या शब्द पढ़ा था, शिरोरूह, तो शिरोरूह क्या होता था, बाल था, क्योंकि रूह वृक्ष के लिए आता है, लेकिन अगर हम देखें किसी व्यक्ति के संदर्भ में तो उसका बाल ही उसके लिए शिरोरूह के रूप में काम कर सकता है। तो शीश, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग और शिरिंग, ये शब्द जो है आ गया। तो शीश, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग और श्रृंग हो गया, चोटी के रूप में ये शब्द जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। शीश, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग और श्रृंग शब्द का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि जल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जल, नीर, वो तो अम्बु, आब, उदक और सलिल, उदक शब्द यहाँ पर विशिष्ट शब्द के रूप में जो प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि वारी, नीर, तोय, अम्बु, जल, पानी शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, यद्यपि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं जल शब्द के लिए, जल, नीर, तोय, अम्बु, आब, उदक, सलील। उदक शब्द यहाँ विशिष्ट है। जीव शब्द के लिए रसना, मतलब इससे रस का जो है पान किया जाता है, रसना, रसला, रसज्ञा, रसिका, ये सारे शब्द रस हैं और सभी को एक समुच्चय के अंतर्गत जो है लाया जा सकता है। और हम यहाँ पे शब्द क्या बना लेते हैं जीव के रूप में, रसिका, रसज्ञा, रसना, रसला। तो इस तरीके से आज के लिए जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची के चयनित शब्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया, विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपकी समझ बढ़ी हुई होगी। आप अपने अन्य विषयों के साथ साथ इस टॉपिक का बेहतर ढंग से अध्ययन करते रहिए। पुनः अगले टॉपिक में हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।